ये हमारा वर्टिकल ऑटोक्लेव है, ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये सब टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये मेन के लिए ऑन ऑफ दिया हुआ है, ये लोड के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है, ये हमारी प्रेशर गेज है, ये हमारा सेफ्टी वाल्व है, ये हमारा प्रेशर रिलीज करने के लिए वाल्व दिया हुआ है, और ये ड्रेनेज के लिए, ये हमारा वाटर लेवल है। इसको ओपन करने के लिए पहले हम यहाँ से इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद फिर हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करने से ये ऊपर उड़ जाएगा और फिर इसको साइड कर देंगे। ये इसका चैम्बर है, पहले इसमें पानी फिल करेंगे ताकि हीटर हमारा पानी में डूब जाए, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, इसको अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑन करने से हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर में लाइट आ गई है, ये हमारा हीटर ऑन हो गया है। ये ऊपर जो रीडिंग शो कर रहा है ये टेम्परेचर की कर रहा है, जो इसका चैम्बर का टेम्परेचर है, ये नीचे हमारा टाइमर शो कर रहा है। अगर हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो पहले हम सेट का बटन दबाएंगे, ये हमारी सेट वैल्यू आ गई है हमारी 121। अगर इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो रहेगी स्टैंडर्ड वैल्यू 121 डिग्री रहेगी। उसके बाद दोबारा हम सेट का बटन दबाएंगे तो ये टाइमर के लिए आ जाएगी, जितना आपने इसमें टाइमर सेट करना है, अभी इसमें 20 मिनट सेट किया हुआ है। उसके बाद हम दोबारा सेट का बटन दबाकर बाहर आ जाएंगे। अभी हमारी ऑटोक्लेव ऑन है, हीटर हमारा ऑन हो चुका है और टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। जब हमारा 121 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा उसके बाद हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, और 121 डिग्री आने के बाद हीटर कट ऑफ होता रहेगा।